जलपली म्युनिसिपैलिटी हदूद के इलाके तूर कॉलोनी में 5 लाख रुपए की लागत से बोरवेल की तंसीब अमल में लाई गई। चार शंबे के रोज तूर कॉलोनी में वाइस एमपीपी उमर बाम के हाथों बोरवेल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर एमआईएम लीडर छोटू भाई सैयद अली ईसा कयूम अब्दुल रऊफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। उमर बाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2018 में हल्के असम्बली महेश्वरम में अवाम को पीने का पानी मुहैया किया जाएगा और दीगर मसाइल की एक्सी भी की जाएगी। किया गया है अलहमदिल्ला यहाँ पे 2.5 लाख की लागत से यहाँ पर बोरवेल और यहाँ पर इसमें मोटर पाइपलाइन डालकर यहाँ की जो आवाम के लिए पानी की जो प्रॉब्लम था इसके लिए यहाँ पे जो काम किया गया है अलहमदिल्ला आज अमल में आ चुका है। और इसी तरह से जो इससे पहले हम जो यहाँ पर बोर डलाए थे वो बोर में कुछ मिट्टी विट्टी जाने की वजह से बोर फंस गया था और यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम चल रहा था, तो पानी का प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम यहाँ बोर डलाए थे। इसमें भी अलहमदिल्ला 2 इंच पानी निकला, इसमें भी मोटर और पाइपलाइन डालकर यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है और पाइप के ज़रिए पानी यहाँ दिया जा रहा है। और हम पब्लिक से इंशाल्लाह अपील करते हैं कि 2019 के अंदर अंदर इंशाल्लाह सबको मीठा पानी देने का वादा कर रहे हैं। और तकरीबन टैंकियों का काम तकरीबन काम हो चुका है जलपल्ली और वादेहुदा और अपने बिस्मिल्ला कॉलोनी पहाड़ी शरीफ और हरा गुंटे पे जो टैंकियाँ बन रहे हैं इसमें से तकरीबन टैंकियों का काम अमल में आ चुका है और जो टैंकियों का काम रुके हुआ है इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी अमल में आ जाएगा। और ये 2018 में इंशाल्लाह पानी का देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पाइपलाइन भी यहाँ पर बिछा पूरी गली गली पाइपलाइन दिया जाएगा और हर घर को मीठे पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। जो भी एरियो में पाइपलाइन नहीं है वहाँ पर भी डाला जाएगा और जो पानी का अपने को जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह आइंदा साल गर्मा में जो प्रॉब्लम चल रहा है टैंकर से दे रहे हैं आइंदा गर्मा तक इंशाल्लाह हर किसी के घर में मीठे पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। जो कृष्णा वाटर है वाटर वर्क्स की तरफ से तकरीबन काम हो चुका है और पैंप भी बहुत पैंप आकर जलपल्ली में डंप कर रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं रहने की वजह से जलपल्ली में म्यूनसिपाल्टी पर डंप करिए कैप कर रखे हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स है वफा वफा काम किया जाएगा और यहाँ पर तूर कॉलोनी में लाइटों का भी प्रॉब्लम है खम्भों का भी प्रॉब्लम है। हम इंशाल्लाह यहाँ की पब्लिक से वादा करते हैं अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह रमज़ान ख़त्म होने से पहले लाइटा तो हम रिपेयर कराए लगा देंगे और खम्भों का रहा खम्भे भी इंशाल्लाह 1-2 से 3 महीने के अंदर सैंक्शन दर जो डाले हुए हैं वो आते ही यहाँ पर लाइन डाला जाएगा। और यहाँ पर तूर कॉलोनी में तकरीबन सीसी रोड डेनी लैंड का तो काम हो चुका है और थोड़ा काम बचा है थोड़े गलियां हैं इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द अमल में आ जाएंगे। हम बालस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर यहाँ पर एरिया में आकर तकरीबन एरियो में जाकर देख रहे हैं जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं। हमारे आली जनाब अहमद पाशा खाली साहब हसनुद्दीन गाले साहब अहमद सारी साहब की नुमाइंदगी पर अब आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। और जो भी काम रहेगा आप हमारे से रबत में रहो इंशाल्लाह आपके पूरे काम होंगे।